ये एक बहुत बड़ा नुकसान मैं समझता हूँ, ना सिर्फ उनके दल को हुआ है लेकिन देश की राजनीति में हुआ है। सीताराम येचुरी जी को मैं पिछले 20-25 साल से जान रहा था और उनकी राजनीति, उनका सौम्य व्यवहार और उनकी पैनी समझ इस देश की राजनीति की, वो हम सब लोगों को बहुत आज उसकी कमी महसूस होगी। और उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है वाम मोर्चे के माध्यम से देशी राजनीति पर, और अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्यप्रणाली से उन्होंने हम सबको प्रभावित किया था। और ही वॉज अ फाइन थिंकर, एन एक्सेलेंट ह्यूमन बींग, एंड वी विल मिस हिम डियरली, नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट ऑल्सो एज अ पर्सनल फ्रेंड। सो माई डीपेस्ट कंडोलेंसेज टू ऑल हिज एडमायरर्स एंड हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। कहा जाता है कि इंडिया ब्लॉक बनाने में, यूनाइट करने में उनका भी एक बड़ा रोल था। उन्होंने दो दशकों में लगातार, जब हम सरकार में हों या ना हों, उन्होंने निष्पक्ष राजनीति, एक इस प्रकार की सेकुलर राजनीति को उन्होंने बढ़ावा दिया था। और हर दल के नेताओं के साथ उनके संबंध थे, कार्यकुशल थे, सौम्य थे, व्यवहारिक थे और राजनीतिक समझ रखते थे। और व्यक्तिगत तौर से बहुत सारे नेताओं के साथ उन्होंने काम किया था, उनका जो अनुभव था उसकी कमी देश की राजनीति को होगी। और एक कम्युनिस्ट मूवमेंट जो देश में प्रभावी हुआ, उसमें बहुत बड़ा योगदान येचुरी साहब का रहा। उनको मैं बहुत बहुत व्यक्तिगत मुझे लॉस हुआ है, मैं समझता हूँ एक तरह से, इसलिए आज उनकी अंतिम विदाई में यहाँ उसमें शरीक होने का मुझे मौका मिला। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.